Arfa Khanum Sherwani. She's a senior journalist and she's a senior anchor with Rajya Sabha Television. And you will be happy to know that she has stormed the male bastion of Aligarh Muslim University's Old Boys Club. She was the vice president. And she believes that Muslim women are themselves missing from the debate about themselves. Arfa Khanum Sahiba, today is a small attempt by ORF to start to change this. I would like you to start. Let me tell you that we have veteran journalists in our midst, other than yourself, and we also have some budding journalists. So your message will really go out loud and clear. Thank you. Thank you very much, Radha. This has been quite an experience since 10 o'clock to now, that Muslim women, they are talking about themselves. बहुत वाकई मुझे अच्छा लग रहा है मुस्लिम औरतें यहाँ पर मौजूद हैं और हर स्ट्रेटा से हैं, जिसे हम हाई क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर क्लास जैसे हम डिवाइड करते हैं, वो लोग जो उनके जिनके इश्यूज़ हैं और वो जो उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, दोनों लोग वहाँ पर हैं मौजूद. और मुझे खुशी है कि शायद मीडिया को इतना सीरियसली यहाँ पर लिया जा रहा है कि हम किसी चीज़ का सोल्यूशन भी हैं. मुझे अब तक पिछले 5-7 साल में अंदाज़ा ये हुआ है, ख़ासकर 9/11 के बाद, कि हमने परेशानियाँ ज़्यादा खड़ी की हैं और हल बहुत कम निकाले हैं. बहुत देर से बात हो रही है और अच्छी बात है कि एजुकेशन पे ज़्यादा बात कंसंट्रेट हो रही है, हालांकि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे सिर्फ मुस्लिम औरतों के बारे में बात करने के लिए. कई बार यहाँ पर मैंने देखा कि कई तरह के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं. जैसे कहा गया है कि हाउ कैन द मीडिया प्ले अ पॉजिटिव रोल इन मुस्लिम वुमेन्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मुझे नहीं लगता कि मीडिया बहुत बड़ा किरदार कोई अदा कर सकती है. और इसकी वजह सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत लार्जर डिज़ाइन है मुस्लिम औरतों को की इमेज ख़राब करने के पीछे. जो मॉडल है मीडिया का, स्पेशली मीडिया को जो पिछले 10 साल में हमने टेलीविज़न मीडिया के तौर पे जाना है, उसके मॉडल में ही ये डिफ़ॉल्ट है कि उसे सेंसेशन चाहिए, उसे वो बात चाहिए जो सिर्फ हेडलाइंस के तौर पर समझाई जा सके. जैसे अखबारों में आपको वो ब्लर्ब नज़र आता है, टीवी चैनल में उससे बड़ी जगह है नहीं किसी के पास. तो और चूंकि वहाँ पर जो भी चीज़ है वो पहले पेज पे होती है, वहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां पन्ना नहीं है, तो हर चीज़ फ्रंट पेज है. तो हर स्पेस जो है वहाँ पर वो बहुत अहम है. तो इसलिए ऐसी बातें कही जाती हैं जो कि मार्केट को सूट करती हैं. और मुस्लिम औरतों का डेवलपमेंट, झुग्गियों में रहने वाली औरतें किस तरह वो स्कूल जाएँ, किस तरह से उनको तालीम हासिल हो, किस तरह से उन्हें नौकरियां मिलें, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें नहीं हैं, ये लोग सुनना जानना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते. हाँ, किस तरह से एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें हुई और निकाह किस तरह से होता है, इसको लोग बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, जो इंडियन आवाम है वो जानना चाहता है. चूँकि इसके पीछे वजह ये है कि हम मेरा मतलब कहने का है कि जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी है वो इतना कम जानते हैं मुसलमानों को, उनसे इतना कम इंटरेक्ट करते हैं कि उनके बारे में जब इस तरह की बातें जब कही जाती हैं तो हिंदी में उसे कौतूहल या क्यूरियोसिटी जो कहते हैं वो जगाती हैं कि अच्छा इनके यहाँ ऐसा हो जाता है, अच्छा ये फलां ट्राइब के लोग हैं. तो ये जो मुसलमानों के बारे में जो न्यूज़ रूम में जो डिस्कशंस होते हैं पढ़े लिखे लोगों के दरमियान, वो लोग जो क्लेम ये करते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं हिंदुस्तान के बारे में, सोसाइटी के बारे में, दुनिया के बारे में, जब मुसलमानों को लेकर डिस्कशन होते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. और मैं एक थर्ड पार्टी की तरह भी बैठ के कभी कभी देखती हूँ, मतलब जिसमें मैं मीडिया का पार्ट भी हूँ और मुस्लिम भी हूँ, तब मैं जब मुझे बहुत दिलचस्प लगता है कि वो किस तरह से डिस्कशन ये होता है कि जब कोई मुस्लिम इशू आता है तभी मुसलमानों की बात होती है. मुस्लिम इन जनरल विद देयर जनरल इशूज़ डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मीडिया, दैट आई कैन से. दे मे बी पीपल यू नो हु आर प्रेजेंट हियर हु माइट डिसएग्री विद मी ऑन दिस, बट ये मेरा पिछले 12-15 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि मुसलमान एग्जिस्ट नहीं करते मीडिया के लिए, अनलेस कि वो जो मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम आवाम है उनकी ज़िंदगी में कोई दखल पैदा कर रहे हों. उनके अपने इश्यूज तब तक बहुत अहम नहीं है. अब यहाँ पर मैं ईटीवी उर्दू या जी सलाम या वो भी मुझे नहीं लगता बहुत रेलेवेंट रोल को अदा कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही दे क्लेम टू बी मुस्लिम स्पेसिफिक उनके इश्यूज़ उठाने की बात करते हैं, बट वो चूँकि मार्केट से सपोर्ट नहीं होता है, मॉडल ही अपने आप में उर्दू चैनल का मार्केट सपोर्टेड नहीं है और इसलिए वो एक फेलियर है. तो किस तरह से बात होती है वहाँ पर कि सपोज़ अगर कोई एक डिस्कशन होना है तो उस डिस्कशन में एक मुस्लिम चेहरा चाहिए
जो वो मुस्लिम चेहरा जिसके दाढ़ी होनी चाहिए और अगर टोपी उसने नहीं लगाई है तो कभी कभी न्यूज़ चैनल से उसे टोपी भी दे दी जाती है. बिलीव मी दिस इज़ अ रियलिटी. आई एम रियली टेलिंग यू दिस इज़ अ रियलिटी. मतलब एक बहुत अच्छा एक हो सकता है एक नौजवान हो जो बहुत यंग हो ब्राइट हो बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो बहुत अच्छा बोलता हो लेकिन अगर वो क्लीन शेवन है तो वो बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता. वो स्टूडियोज़ में वो रौनक नहीं ला पाता जो दरअसल टीवी के मॉडल को चाहिए जो हमारे पास है. तो यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने की बात है कि हम किस तरह से एक जो है इंक्लूसिव रोल अदा कर सकते हैं. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कैन मीडिया डू इट, आई वुड से यस. इज़ मीडिया डूइंग इट? नो. कैन वी मेक देम डू इट? यस एंड नो. बहुत मेहनत हमें करनी होगी. बहुत देर से जब बातचीत हो रही थी यहाँ NGOs के रोल की, गवर्नमेंट के रोल की, मुस्लिम औरतों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, मुझे लगता है इस सब के बीच में बहुत बड़ी एक चीज़ थी, वो था कम्युनिकेशन गैप. यहाँ एक रिसीवर जो है और जो एक प्रोवाइडर है उसके बीच में जो गैप है वो NGOs को माना जाता है कि वो उसको हल करेंगे और हमें भी चूँकि सिविल सोसाइटी का एक पार्ट हम अपने को मानते हैं मीडिया भी और बहुत हद तक अगर हम चाहें तो बहुत बेहतर रोल अदा कर सकते हैं. कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं प्रिंट मीडिया से खासकर जो अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं, लगे हुए हैं, कंसर्टेड एफर्ट्स हैं उनकी. उनके नाम लेकिन मैं सिर्फ उंगलियों पे गिन सकती हूँ और इतनी बड़ी आबादी 15-17% हिंदुस्तान जैसे मुल्क की जो आबादी है उसके लिए उतने एक दर्जन भर जर्नलिस्ट शायद काफ़ी नहीं हैं. और जो नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी उनके लिए उससे ज़्यादा मुश्किल है मुसलमानों के इश्यूज़ को समझना क्योंकि वो उस दौर में जर्नलिज्म कर रहे हैं जहाँ हम बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन देख चुके हैं, हम गुजरात राइट्स देख चुके हैं और हम देख चुके हैं हिंदुत्व फोर्सेस का बहुत सटल तरीके से मीडिया में एंट्रेंस. और दरअसल वो पूरे एक जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके अंदर जो एक टिल्ट आया है जो दरअसल काफ़ी हद तक या तो मुसलमानों को से उसका कोई वास्ता नहीं है या फिर वो उन्हें पसंद नहीं करता. मेजॉरिटी ऑफ देम. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके इश्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी तादाद धीरे 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 इतनी छोटी हो रही है, इतनी कम हो रही है और उसको बाजार सपोर्ट नहीं कर रहा है. जैसे कि मुस्लिम औरतों के डेवलपमेंट के इश्यूज़, यहाँ पर एक क्वेश्चन चूँकि यहाँ भी है कि इट इज़ एलेज्ड दैट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स डू नॉट कवर इश्यूज़ ऑफ वुमेन्स ग्रुप्स एडिक्वेटली. क्यों ऐसा होता है? तो ये जो डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, अभी फ़िलहाल सुधीर कुलकर्णी साहब खासकर इस बात को बता पाएंगे कि 2-3 जर्नलिस्ट सिर्फ ऐसे हैं, 3 भी शायद नहीं है कि जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म कर रहे हों, जिनको ये पता हो कि जो हिंदुस्तान में बताते हैं गवर्नमेंट को कि किसान जो है ख़ुदकुशी कर रहे हैं बड़ी तादाद में, ये उसी तरह की एक चीज़ है कि मुस्लिम औरतें छोटे छोटे ग्रुप में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन कितना अच्छा काम कर रही है यहाँ. इतने मतलब मुझे खुशी इस बात को देख के खासकर हुई कि औरतें यहाँ पर मौजूद ही नहीं हैं अपने इशू को लेके, बल्कि वो बोल पा रही हैं, उन्हें पता है हमारे मसाइल क्या हैं, उन्हें ये भी पता है उन्हें हल कैसे करना है, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है. तो मुझे लगता है कि एक मॉडल का भी बहुत बड़ा फ़र्क है कि इसी वजह से नहीं आ पाती हैं चीज़ें. लेकिन पर्सनल लॉज की बात हुई कि क्या वाकई ये मौलाना या जो मुस्लिम लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप वर्सेस द मुस्लिम विमेन है, इज़ इट? नो, नहीं, ऐसा नहीं है. अभी एक साहब यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि हमारी औरतें कमज़ोर हैं इसलिए हमारे बच्चे कमज़ोर हैं. दरअसल मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें गलत समझा गया. वो ये कहना चाहते थे कि शायद मुस्लिम औरतों को एम्पावर करने की ज़रूरत है. उनका वो शायद ये कहना चाहते थे कि हमने अपनी मुस्लिम औरतों को उतनी मजबूती नहीं दी है जितनी हमें देनी चाहिए और शायद ये रियलिटी है. आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूँ उन लोगों की जो लोग जो मजहबी बैकग्राउंड से आते हैं. मेरा भी ननिहाल पूरा मजहबी बैकग्राउंड से है और मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है कि आप कितना सोसाइटी को बदल सकते हैं. मैं जब भी मीडिया में दाढ़ी और टोपी वाले मुस्लिम मर्दों का जिक्र सुनती हूँ वो एक बहुत विलन जैसी इमेज आती है, जैसे कि वो ऐसे मर्द हैं जो जब भी वापस लौटते हैं, खासकर जब वो मस्जिद से लौटते हैं, तो अपनी औरतों को मारते हैं या औरतों से ये कहते हैं कि खबरदार तुम घर से बाहर गईं. शायद ये हकीकत नहीं है. हम में से बहुत सारे लोग ऐसा जानते हैं, कुछ लोग हो सकता है ऐसा करते हों, जैसे वो लेडी हैं उन्होंने वहाँ पर कहा. ऐसे दखेनूसी लोग हैं, मैं मानती हूँ, मैंने खुद देखा है, सुना है उन्हें. मैं बाहर जाती हूँ जब रिपोर्टिंग करने के लिए, मेरा नाम सुनते हैं तो कहते हैं सर नंगा है तुम्हारा, सर ढका नहीं है, बुरका क्यों नहीं ओढ़ती हो, तुम किसी मुस्लिम महफिल में मुसलमानों के बारे में कैसे बात कर सकती हो, तुमने तो बुरका नहीं ओढ़ा है, तुम खुद मुस्लिम या प्रैक्टिसिंग नहीं हो तब तुम्हें कोई हक नहीं है उनके बारे में बात करने का.
तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उन वो मेजॉरिटी नहीं हैं। मेजॉरिटी वैसे लोग हैं जो अपनी औरतों की इज्जत करते हैं, घर में उन्हें बहुत बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। और मुझे लगता है कि, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि वो तादाद अगर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मर्दों की लगाई जाए जो डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, जो अपनी औरतों को ख़राब तरीके से, रफ़ तरीके से ट्रीट करते हैं, उसमें मुस्लिम मर्द कम होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम मर्द जो रिलीजियस है, जो मज़हबी है, उसे कुरान का खौफ है। और कुरान जो है वो दरअसल एक मुस्लिम औरत की ताकत है, उसकी कमज़ोरी नहीं है। और हमें कुछ इस तरह से बताया जाता है कि जो ये मज़हब है ये दरअसल आपका दुश्मन है, और ये लोग जो मज़हब प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं, जिनके दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता पजामा पहनते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये दरअसल आपके दुश्मन हैं। अगर ये आपकी ज़िंदगी से चले जाएं तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मैं चूँकि मैं पिछले करीब 12-15 साल से मुस्लिम अफेयर्स को बहुत क्लोजली देखती रही हूँ, और एक मॉडर्न अर्बन वुमेन जर्नलिस्ट के तौर पे भी मैंने देखा, और एक बहुत ही मज़हबी घराने से आई और मज़हबी सेटअप में किस तरह से औरतों को देखा जाता है, उस तरह से भी देखा। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अंदर दोनों कॉम्बिनेशंस हैं, और ये सलाहियत शायद इसीलिए आती है कि मैं दोनों तरीके से देख सकती हूँ कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो किस तरह से देखते हैं मुस्लिम औरतों को, मीडिया किस तरह से कम्युनिकेट करके फाइनली जो आम आवाम है उस तक कैसे पहुँचाता है। छोटा सा एग्जांपल, हालांकि यहाँ पर बात मुस्लिम औरतों की हो रही है, मैं खुद एक मुस्लिम औरत हूँ। जब ये हम इस बात को पहले मैं पूरा करती हूँ कि हम ऐसा क्यों कहते हैं, तो सोसाइटी एज ए जनरल जब हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये मुस्लिम मर्द जो हैं ये औरतों के दुश्मन हैं, तो मैं, हालांकि आई एम द लास्ट पर्सन टू बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थियोरीज, बट ये सटल तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि ये दरअसल ये इनकी इन फाइटिंग है, ये इनकी आपस की लड़ाई है, ये दाढ़ी वाले मर्द ये बुरके वाली औरतों को परेशान करते हैं और यही इनकी ज़िंदगी की असली मुश्किल है, ऐसा नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल मेरा अपना मैं देना चाहती हूँ। एक बहुत छोटे से कस्बे खुर्जा उसका नाम है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर ज़िला है, वहाँ से मैं आती हूँ, और ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हालांकि जिस ख़ानदान से और जिस फैमिली सेटअप से मैं आती हूँ, मेरे लिए इस तरह की कोई उलझने नहीं थी कि मैं कैसे पढ़ूँगी, क्या करूँगी। मेरी मदर खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, मेरे फादर खुद एक पोएट हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे पूरे इलाके में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ, जो मुस्लिम इलाके में मैं रहती थी, जहाँ मैं पढ़ने जा सकती थी, कॉलेज नहीं था। तो स्कूलिंग तो मैंने मुस्लिम इलाके में कंप्लीट कर ली, लेकिन कॉलेज में बहुत मुश्किल हुई। और ये शायद इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पर कई बार इस बात का जिक्र हुआ कि क्यों मुस्लिम इलाकों में इनफ स्कूल्स नहीं हैं। ये मैंने उसको खुद को झेला कि स्कूल्स भी हों अगर तो कॉलेजेस नहीं हैं। तो मैं पूरे अपने टाउन से जाने वाली किसी कोएड कॉलेज में, एक नॉन मुस्लिम इलाके में जाने वाली पहली लड़की थी, और इसको लेकर कम्युनिटी से और कम्युनिटी के बाहर बहुत इख्तलाफ हुआ, बहुत इसको लेकर डिफरेंसेस हुए। लेकिन एक बार जब पत्थर वहाँ से हट गया, तो अब फिलहाल ऐसा रेशियो वहाँ पर रहता है कि 10-15% कम से कम मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं। और पहली बात तो वो को एजुकेशन में मैंने पढ़ा, दूसरी बात नॉन मुस्लिम इलाके में जाकर बिना पर्दे के पढ़ा, और साइंस एजुकेशन मैंने हासिल की, बीएससी मैंने वहाँ से किया। तो ये अपने आप में बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन था जो मीडिया को पसंद आता है जब कहानियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ, ये बात सही है। उसके बाद दूसरी बारी ये आई कि जब लड़कियाँ चादर ओढ़ के या बुरका ओढ़ के अपने भाइयों के साथ स्कूल तक जाया करती थी, तब मैं साइकिल चलाने लगी वहाँ पर अकेले बेपर्दा, और दूसरे फिर उसके बाद मैंने स्कूटर भी चलाना शुरू किया। और आप यकीन जानिए, धीरे धीरे, उस वक्त मुझे शायद रियलाइज़ नहीं हुआ, 5-7 साल में इतना फ़र्क आया कि अब सारी लड़कियाँ, आधे से ज़्यादा लड़कियाँ साइकिल और स्कूटर चला के स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, 10 साल बाद उसके। तो ये मुझे खुशी हुई कि एक बार अगर आप पत्थर हटा दें वहाँ से, तो शायद बहुत सारा पानी बह सकता है। और यहाँ जो इतनी औरतें बैठी हुई हैं, ये वही हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो पत्थर हटाए हैं और पानी बह रहा है। खुशी की बात है कि ये तमाम ताजगी नज़र आ रही है। फिर तीसरा मौका आया कि जब मुझे टीवी चैनल ज्वाइन करना था, तब फिर वही लोग जो विलन बताए जाते हैं, थोड़ा सा उन्होंने विलन का किरदार निभाने की कोशिश की और कहा कि जो, चूंकि मैं एक औरत हूँ और मुझे पर्दे में होना चाहिए, इसलिए मेरा स्क्रीन के सामने आकर और न्यूज़ पढ़ना और उससे जो आमदनी हासिल होगी वो हराम है। तो आप यकीन जानिए, चूँकि मैं खुद एक रिलीजियस बैकग्राउंड से आती हूँ, उसमें बाकायदा किताबें कंसल्ट की गईं और मेरे खुद के नाना और जो रिश्तेदार थे उन्होंने ये एनालिसिस करके बताया कि चूँकि मैं दुनिया को इन्फॉर्म करने का काम कर रही हूँ, एंटरटेन करने का काम नहीं कर रही हूँ, चूँकि मैं वहाँ पर एक मुस्लिम होने के नाते मीडिया में रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ और इससे एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में आ सकता है,
तो इसलिए मेरी कमाई हलाल है। और तब जाके वो खाना खाने में जो है मैं ठीक से खा पाई कि ये रोटी जो खा रही हूँ ये कहीं हराम तो नहीं है। फिर एक मौका आया आपसे करीब 1.5 साल पहले, जब मुझे एक इलेक्शन लड़ना था, मुझे कहा गया कि आप जो हैं वो AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन कहलाता है, हालांकि उसमें एलुमनाइज में सब तभी सभी लोग हैं। और जब हेडलाइंस अखबारों ने दी, 2-3 अखबारों ने, तो उन्होंने लिखा यही कि न्यू गर्ल्स गेट सेलेक्टेड टू द ओल्ड बॉयज़ बॉडी। तो लेकिन यहाँ पर मुझे जो बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत पॉजिटिव है वो, तमाम चीज़ों के बावजूद, जैसे मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ मजहबी लोगों ने कोशिश की खलल पैदा करने की जो नहीं कर पाए, यहाँ पर जितने खुले दिल से मुझे कबूल किया गया और जितनी तारीफ़ की गई और जिस तरह से मेरे कैंडिडेचर को सपोर्ट किया गया, वो उसने शायद बहुत हद तक मेरे जो पर्सपेक्टिव था, जिस तरह से आई हैड ऑलवेज थॉट अबाउट मुस्लिम मैन इन माई लाइफ, एज इन फ्रॉम माई फादर टू से माई हस्बैंड टू इफ आई एवर हैव अ सन और यू नो आई स्टिल हैव अ ब्रदर, तो उन्होंने वो काफ़ी चेंजेस मुझे लेकर आए। उन लोगों ने काफ़ी मतलब इस बात का खैर मकदम किया, वेलकम किया कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और मैंने कंटेस्ट किया इलेक्शन, और रिकॉर्ड वोट्स से उन्होंने मुझे ये इलेक्शन जिताया। तो जब लोग इसको एक फिर से एक औरत मर्द वाली लड़ाई और ख़ासकर मुस्लिम सोसाइटी में वो बताते हैं, तो मैं बहुत हैरानी से उनकी तरफ देखती हूँ, क्योंकि वाकई मुझे ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। जब मैंने अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया तभी से जो वेलकम के नोट्स मेरे पास आने शुरू हुए खैर मकदम के, वो अब तक जबकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा बदलाव, चूँकि ये बॉडी ही इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थी कि ला पाती, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुई, वो आई मेरे पास। और ख़ासकर मेरे मीडिया में आने से एक और चेंज ये आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था, बहुत लो की डिपार्टमेंट अभी तक माना जाता था, बड़ी तादाद में लड़कियाँ उसमें इनरोल करने लगीं अपने को, जर्नलिज्म में उन्होंने कोर्स करने लगीं, और उसके बाद अभी अच्छे अखबारों में, कई न्यूज़ चैनल्स में करीब करीब 2 दर्जन लड़कियाँ ऐसी हैं जो पिछले 5-7 साल में AMU से पास आउट होकर आई हैं और अच्छी पोजीशंस पर हैं। उनमें से कईयों को आप जानते भी होंगे जो न्यूज़ एंकर्स भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, और ये मेरे वहाँ से आने के बाद हुआ। मैं पहली एंकर थी या पहली टेलीविज़न जर्नलिस्ट थी जिसने AMU से जर्नलिज्म का कोर्स किया और यहाँ मीडिया में आके अपनी जगह बनाई। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई परेशानी मुझे नहीं हुई। तो मीडिया का रोल मैं जहाँ तक देखती हूँ, पहली बात हुई मुस्लिम ख्वातीन की बात हुई, मीडिया का रोल हमें उनके हिसाब से डिज़ाइन करना होगा। जैसे कि माना हम जो यहाँ एफर्ट्स कर रहे हैं, हम जिस तरह से यहाँ चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, और बहुत हद तक अच्छी बात यह है कि हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सोशल मीडिया ने हम लोगों को बहुत बुरी तरह डरा दिया है और हमारी रोज़ी रोटी पर बनाई है। एक्चुअली सोशल मीडिया इतना पावरफुल हुआ है, आप में से जितने सारे लोग हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आधे से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जाकर अपने मैसेजेस फ्लैश करें, लिखें, उस पर रिएक्शंस आती हैं, तो कम से कम इस तरह की कोई एफर्ट है वो चल रही है, लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, ये सब पता लगेगा, ये बहुत अहम है। और यहाँ जो जर्नलिस्ट मेरे दोस्त बैठे हुए हैं वो भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं। मैं भी राज्यसभा टेलीविज़न के ज़रिए ये कोशिश करती हूँ कि कुछ इशूज़ को उठाऊँ, ख़ासकर 2 इशूज़ में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस देती हूँ वो दलितों के और मुसलमानों के इश्यूज़, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही मार्जिनलाइज्ड हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। मतलब कभी भी मैं अपने दलित दोस्तों से जब बात कर रही होती हूँ तो मैं इतना खुल के बात कर रही होती हूँ तो शायद अपनी कम्युनिटी में भी कुछ लोग सोचते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मुस्लिम बनने की कोशिश कर रही हो, यू आर लाइक टू मुस्लिम, यू नो। तो लेकिन जब मैं दलितों को देखती हूँ बात करते हुए, तो मुझे लगता है कि उनका वो जितने वोकल हैं, जितनी उनके अंदर जो एडवोकेसी है, अगर वो आज मुस्लिम अवाम के अंदर उसका 50% हिस्सा भी आ जाए तो ये समझ लीजिए ये कौम उठ के खड़ी हो जाएगी। मतलब उन्होंने जैसे एक वॉर डिक्लेयर की है, और वॉर इसलिए नहीं कि वो जाके कहीं खून खराबा करते हैं, उन्होंने वॉर डिक्लेयर की है कि हमें अंग्रेज़ी पढ़ना है, हमें पढ़ना है, हमें जिस तरह की एडवोकेसी की कोशिशें हो रही हैं मीडिया के ज़रिए भी, उन्होंने अपने एक अलग दुनिया बनाई है और वो इतनी खूबसूरत है वो दुनिया, उनकी अपनी बनाई हुई है। कई बार यहाँ जिक्र हुआ कि कैसे साहब कह रहे थे वहाँ पर कि कब तक गवर्नमेंट की स्कीम्स के सहारे हम पड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। ये बात सच है कि जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट की वो इमेंस हैं, उनका मुकाबला हमारे लिए सिविल सोसाइटी के लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद ये तिनके छोटे छोटे जोड़कर हम बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को शायद ये सोचना होगा कि ये इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप बन चुके हैं कि हमें सिर्फ इलेक्शन के दौरान नहीं, 5 साल के बाद नहीं, 5 साल के दौरान भी लगातार इन लोगों से बातें करना ज़रूरी है, बहुत अहम है हमारे लिए। तो आई थिंक इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ कि
मीडिया का रोल, हमें मीडिया को अहम समझना होगा, लेकिन एक अपनी ऐसी दुनिया जो जिस तरह से मैंने इंटरेक्ट किया अपने दलित दोस्तों के साथ, उन्होंने जो एक अपना अपनी दुनिया बनाई है, एक अपना एडवोकेसी का ग्रुप बनाया है, उनसे अगर थोड़ा थोड़ा हम सबक लेंगे तो वो बहुत सताए हुए हैं हमारे मुकाबले, उनकी मुश्किलें बहुत बहुत ज़्यादा हैं। मेरे एक टीचर है, मैं दलित तो मुसलमानों पे ही स्टडी कर रही हूँ फ़िलहाल, एक पीएचडी कर रही हूँ, हमारे एक टीचर हैं वो कहने लगे कि बहुत सारे मुसलमान ये सोचते हैं कि जो नॉन मुस्लिम उनके साथ जो रहते हैं वो उनसे नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। उन्होंने कहा, वो टीचर खुद दलित थे, उन्होंने कहा कि लेकिन जो हमारे दूसरे अपर कास्ट जो सिटीजन्स हैं वो हमें नफ़रत के काबिल नहीं समझते, वो हमें अपने बराबर नहीं समझते, क्योंकि नफ़रत करने के लिए भी आपको बराबर लाना पड़ेगा अपने को, लेकिन दलितों को नफ़रत के काबिल भी नहीं समझा जाता। तो ये एक ऐसी बात थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि वाकई उनकी मुश्किलें हमसे कहीं 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 ज़्यादा हैं, और जितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, जितना उन्होंने रेजिस्ट किया है, अगर उसका कुछ हिस्सा भी हम करें तो बहुत आगे निकल जाएंगे। शुक्रिया।